वेलकम बैक इन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर। जो पर हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गाइस, फार्मिंग सिमुलेटर 22 को गाइस, ठीक है ना। और आज के इस वाले वीडियो में हम सबसे मेन जो काम करने वाले हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं इधर गाड़ी पार्क करके इसी के लिए रखा था क्योंकि मेरे को इधर फार्मिंग का काम है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमने ग्रीन हाउस बैठाए थे गाइस, उससे आज हम फार्मिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस से क्या क्या फार्मिंग होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन में चलता हूँ तो देख सकते हैं, इधर हम टोमेटोज को कर सकते हैं, लेटस को कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरीज को। और मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी हमारे पास है सेवेन, ठीक है ना, तो दो पे हम लोग उगाने वाले हैं टमेटो, ठीक है ना। टोमेटो को दो पे उगाने वाले हैं, दो में हम उगाने वाले हैं गाइस, ये दो में स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और ये तीनों पे हम लोग लोटस करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा प्राइस कितना में मिलता है, तो उसी हिसाब से हम उगाने वाले हैं। तो ये देखो, ये इसका प्राइस भाई 3000, इसका आ रहा है 1000 के आसपास, इसका बहुत कम है भाई। तो इसका इसी को ही तो फिर मेरा प्लानिंग सही है, बिल्कुल सही है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ काम की गाइस, मैं तुरंत इनको करने के लिए ना पानी देना पड़ता है, ठीक है ना गाइस। जितना पानी दोगे उतना काम बारीगा, ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं पानी डालने से पहले मैं इधर ना एक और ज्यादा एक ये बिठाने वाला हूँ। ये जो हमने स्टोरेज बॉक्स लगाया था, ये एक और बिठाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि इससे कितना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है हमारे एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो साइलो प्रोडक्शन में चलते साइलो एक्सटेंशन और इधर चलते हैं। तो ये रहा ड्राफ्ट पंप, तो मैं इसे बिठाता हूँ और देखते हैं इसमें कितने लीटर का पचर। तो 20 हमारा, मैं पानी देखे दिखा था कितना पानी इसमें आता है, 20 लीटर का आता है, अभी 25 होना चाहिए। और साथ ही साथ और एक बिठा देते हैं इधर से, देखते हैं कि 30 होना चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो 30 होना चाहिए गाइस, देख पा रहे हो मैंने इधर बिठा चुका हूँ तीन तीन हमारा साइलो एक्सटेंशन को, मतलब वाटर एक्सटेंशन को। इससे हम देखते हैं क्या ही फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक चीज का प्राइस देखना है, क्योंकि आज अंडे भी मेरे को बेचना है और भाई बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है इधर। तो मेरे को अभी ट्रांसपोर्ट करने जाना है, तो इधर देख पा रहे हो ये कहाँ बेच रहा है, इधर बिक रहा है भाई 5700 का बिक रहा है भाई, बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है भाई। और हमारे पास बहुत ज्यादा ही, मैं इधर से शिफ्ट करके चल लेता हूँ, तुरंत काम हो जाएगा भाई। ये मेरा शिफ्टिंग का, मैं हर एक जगह पे देख पा रहे हो कितने ज्यादा अंडे ऑलरेडी अवेलेबल है इधर, देख पा रहे हो हर एक ये पे अंडे अवेलेबल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्रैक परचेस करने वाला हूँ आज के इस वाले एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हम उस ट्रैक से ही बहुत सारे चीजों को हम लोग बेचने वाले हैं। और साथ ही साथ आज हम हमारे ये ग्रीन हाउस के लिए दो चीजें परचेस करने वाला है, ठीक है ना गाइस। फुल्ली मैं परचेस करने वाला हूँ, इधर तो ये बिल्स वगैरह का आ रहा है। तो ये एकदम जो हमारे मतलब इस गेम प्ले सीरीज का सबसे पहला नया मतलब गाड़ी होगा, उसमें से ये होगा मैन का ट्रक, जो कि व्हाइट कलर का मैं लेने वाला हूँ। मेरे को ये कलर काफी ज्यादा पसंद है, ब्लैक और व्हाइट। और अगर ब्लैक चूज करते हैं तो देखते हैं कितना ब्लैक कितना लगता है, ब्लैक ज्यादा ही बेकार लग रहा है इसमें। तो मैं व्हाइट चूज करने वाला हूँ क्योंकि व्हाइट बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं व्हाइट कलर का ये चूज कर लेता हूँ। साथ ही साथ मेरे को गाइस एक और चीज कलेक्ट करना है, जो एनिमल में हम अगर चलते हैं तो इधर गाइस देख पा रहे हो ये जो है ना, ये टैंकर हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक टैंकर हमें लेना पड़ेगा, तो टैंकर ले लेते हैं गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि दो टैंकर लेंगे, क्योंकि दो टैंकर हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो लीज नहीं करते हैं, बाई कर लेते हैं, 56,000 का एक टैंकर लेंगे और बाकी मतलब ये हमारा परमानेंट एक टैंकर रहेगा और दूसरा टैंकर हम लीज करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है ना, एक टैंकर हमेशा रह जाएगा हमारे पास। तो तुरंत मैं काम करता हूँ कि तुरंत एक को बाई कर लेता हूँ। एक कलर का चेंज, कलर इसका कलर का कोई हेल्पर होता है क्या भाई, ब्लैक कलर का भाई, ये क्या कलर है, ये कलर बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो गाइस ये वाला कलर मैं परचेस करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, पैसा हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो मैं तुरंत से तुरंत चलता हूँ गाइस, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये देख पा रहे हो हमारा नया ट्रक और साथ ही साथ हमारा नया पीछे वाला ट्रेलर जो कि हमारा वाटर ट्रेलर है, टैंक बोल सकते हो, ये वाटर टैंक है एक लीज। अबे यार कनेक्ट हो गया। तो फाइनली इस गेम पे हमारे पास नया व्हीकल आ चुका है जो कि ट्रक है, और ये हमारा नया गैरेज में रहने वाला है अब से, क्योंकि इसको हमने परचेस कर लिया। क्योंकि ट्रक को मैंने क्यों परचेस किया मैं बताता हूँ, ट्रक और ट्रेलर को ये हमें रेगुलरली लगते रहेगा अभी, ठीक है ना। तो मेरे को हर बार इसका पेमेंट करने से अच्छा इसको मैं बाई करके रखता हूँ, जब मेंटेनेंस का काम आएगा तो इसको हम मेंटेन करने के लिए ले लेंगे, ठीक है ना भाई। तो मैं तुरंत क्या करता हूँ कि मेरे को फिर सेल भी करना है, मैं इनमें ना पानी देना पड़ता हूँ, तो मैं तुरंत पानी लेने के लिए चल रहा हूँ। पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इसमें ना तुम अगर पानी मतलब वो छोटा छोटा टैंकर बना हुआ है बहुत जगहों पे, उधर से कलेक्ट करते हो तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। और अगर तुम्हें मतलब फ्री का पानी चाहिए इस गेम के अंदर, तो तुम्हें मैं एक बढ़िया सा जगह दिखाता हूँ, चलो लेके चल रहा हूँ मैं उधर ही, क्योंकि मैं उधर से पानी लेके आया था टेस्ट करने के लिए। अब यार गाड़ी घूम गया यार। तो फाइनली गाइस हमने गाड़ी को घुमा लिया है, गाड़ी थोड़ा सा मुड़ गया था, पता नहीं कैसे मुड़ गया था। और देख पा रहे हो मैं अभी चल रहा हूँ उसी स्पेशल जगह पे जहाँ पर से तुम्हें फ्री का पानी मिलेगा, तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं गाइस। और मैं ऑफलाइन पे सारगम गाया था, क्योंकि हमारा जो मतलब चिकन्स है उनको सारगम चाहिए होता है, जिससे कि वो हमारे लिए अंडे प्रोड्यूस कर पाए, और अंडे का प्राइस इधर भाई काफ़ी ज़्यादा सही मिलता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस वाले नदी पे, और इधर से तुम फ्री पे जितना चाहे उतना पानी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं इसको देखने वाला हूँ कि अभी कितने का स्टोरेज मिला है, मतलब बनने वाला है ये वाला जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास साइलो एक्सटेंशन है गाइस, ठीक है ना। और ये पोटेटो जो आता है, ये पोटेटो का जो मतलब लोडिंग मतलब ग्रोइंग कैपेसिटी है वो पार साइकिल पे दो होता है, दो करके आता है, और इसमें सेम कैपेसिटी के साथ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा और इसमें ज़्यादा मिलेगा, और इसमें भी ज़्यादा मतलब सेम सेम प्राइस में मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लोड होने तक वेट कर लेता है गाइस बस। तो फाइनली जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो हमारा टैंकर पूरी तरीके से फुल हो चुका है, और 32,000 लीटर इसमें पानी आता है भाई। और मैं इसको लेके चलता हूँ अभी इधर से मेरे सीधा वो ग्रीन हाउस जहाँ पर है हमारा उधर, और ये देख पा रहे हो इसको खींच के निकालना बहुत ज़्यादा दम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है ना। और मैं मतलब जब मैं ये कट दिया था एक मतलब जिससे तुम लोग बोर ना हो जाओ, उसी टाइम मैं एक और टैंकर को बाइक कर लिया था, तो मेरे को उसको भी इधर पहुंचाना है। तो मैं तुरंत क्या करता हूँ कि इधर चलता हूँ शिफ्ट करके, जैसे कि देख पा रहे हैं ये येलो कलर का एक टैंकर मैंने मतलब येलो कलर का एक ट्रक को लीज किया है, मतलब ये लीज ट्रक है, ठीक है ना गाइस, ये हमारा बाइक करा हुआ ट्रक नहीं है, और मैं मैन का ही ट्रक यूज कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादातर। और मेरे को इसको लेके जाना है अभी सीधा उस वाले लोकेशन पे जहाँ से हम पानी लूट कर पा रहे हैं, और मैं इस काम को दूंगा एक बार कर को, जिससे कि ये भाई साहब बिना रुकोई रुका बैठ के ले आ सकता है गाइस, ठीक है ना। तो मैं और अब हाँ ये ले जाएगा उतना दूर तक, उस तरह से मैं काम करूंगा। और ये वाला हमारा जो ट्रक है मेन ट्रक जो हमने बाई करके रखा है, इसको मैं लेके चलता हूँ हमारे सीधा उस वाले लोकेशन पे जहाँ पर हमारा ग्रीन हाउस है, ठीक है ना भाई। अभी देख पा रहे हो भाई बहुत भारी है होकर रखा है ये ट्रक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, 32 लीटर 32,000 लीटर पानी है इसके अंदर भाई, सबसे ज़्यादा पानी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, या अगर मतलब पलट जाए तो दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें एक मॉड यूज कर रहा हूँ जिससे मैं कोई भी चीज़ों को आसानी से पकड़ के दूर भेज सकता हूँ, ठीक है ना। और ये हमारा एक और ट्रक जा रहा है जैसे कि तुम देख पा रहे हो, और क्या ही बढ़िया लुक आ रहा है भाई, ट्रक रहा है अभी हमारा ट्रक। और मैं इसको देख के चेक करने वाला हूँ कितना पानी आता है उसके अंदर, ठीक है ना। मेरा हिसाब से 30,000 एक में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी स्ट्रो मतलब
स्टोरेज है, पता नहीं कितना आएगा। और मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ लास्ट वाले पे, एकदम देने वाला हूँ मैं। देखते हैं कि लास्ट वाले तक जाते जाते मैं जा रहा है ना, पानी देखते हैं गाइस। सभी पानी भरना स्टार्ट हो चुका है, कौन सी पे पानी भर रहा है मेरे को नहीं पता। पहली पे भरना चाहिए, पता नहीं कौन सी पे भर रहा है। पहली पे भर रहा है गाइस, सेकेंड पे नहीं भर रहा है, ये बड़ी बात है। पहले नंबर पे हमारा ये है, 20,000 ही आएगा मेरे हिसाब से। हाँ 20,000 ही हर बार आएगा, लेकिन तो ये की फ्री का साइलेंस है पता नहीं भाई। ये तो लोड हो चुका है, नेक्स्ट वाले पे लेते हैं। ये देख पा रहे हो दूसरा भी ऑटोमेटिकली लिया स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो हमने लगाया है ये कि फ्री का साइलेंस मैंने फालतू में लगा दिया। इसको कैसे काम करता है मेरे को नहीं देखा, पता करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमने जो लगा कर रखा है ये 20,000 ही ले रहा है। और इसको मैं पानी भरने के लिए रख देता हूँ अभी, ठीक है ना। मैं इधर यहाँ से काम करने वाला हूँ, ठीक है ना, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा रह जाएगा भाई। देख पा रहे हो ये बहुत हाई मतलब पावरफुल व्हीकल है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो मैं इसको भी लोड करने के लिए रख देता हूँ और ये ऑटोमेटिक रहेगा। और फाइनल जैसे कि देख पा रहे हो इसका जो मेन काम है वो है, और मेरे को इसको भी भेजना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें मैं अगर दिखा उधर देख पा रहे हो 20,000 ही आ रहा है गाइस, ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, इसमें 12,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं क्या काम करता हूँ गाइस कि ये जो सारा ट्रक्स है मैं भर भर के इन सारे ग्रीन हाउसेस को लोड करवा देता हूँ। उसके बाद तो मैं मिलता हूँ जहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे क्या करना है। पहले वाटर भर देते हैं, पानी भर देते हैं सब में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तुम्हें ये सब चीज़ बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ तब, ठीक है। तो फाइनली गाइस मेरे को पता चला कि मैंने एक बड़ी गलती कर दिया था। कि क्या गलती कर दिया था गाइस कि मैंने जो ट्रक परचेस किया था वाइट कलर वाला, वो परचेस नहीं हुआ था, वो लीज हो गया था गाइस। तो मैं दोनों ही ट्रक को अभी रिटर्न कर चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे काम के लिए मैं ट्रक को मतलब लीज किया था पानी भरने का, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। उसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ लास्ट वाले टैंकर, मतलब जो हमारा परचेस किया हुआ टैंकर है उसको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ अभी। ये नया ट्रक को मैंने परचेस किया अभी क्या, अभी परचेस ही किया हूँ, देख पा रहे हो पैसा कम चुका है हमारे पास। और मैं तब लीज कर लिया था, मेरे को पता नहीं था कि मैंने लीज कर लिया था, तो दिक्कत सर हो गया था। और हमारा टैंकर यही आसपास कहीं है, वो देख पा रहे हो हमारा टैंकर पड़ी हुई है इधर। तो मैं इस टैंकर को उठा के ले चलता हूँ अभी हमारे सीधा हमारे फार्म पे। और फार्म पे चलने के बाद हमारा जो मेन काम है जो कि है हमारा पानी डालना ग्रीन हाउस में, और पानी डालना हो चुका है शायद, थोड़ा सा ही रह चुका है। एक लास्ट वाला ये को पानी देना है अभी। और ये भाई अभी तो ऐसी जगह पे डिस्कनेक्ट किया मैंने, इसे कनेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। और ये कनेक्ट हो चुका है गाइस, और जैसे ही देख पा रहे ये टोटली लोड होकर रखा है। तो मैं इधर से उतरता हूँ और मैं तुमको मेरा एक खास इस गेम के अंदर पावर देख पा रहे हो, मैं पूरा का पूरा ट्रक हिला पा रहा हूँ और मैं इसको बाहर ले चलता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ अभी इस गेम के अंदर। मैं इस मॉड को लगाया हूँ एक की रीज़न की वजह से गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो मैं पूरा का पूरा ट्रक उठा के ले जा चुका हूँ भाई। अलग भाई मेरा तो अलग चल रहा है भाई, मैं अलग ही। और जैसे कि देख पा रहे हो मैं इस ट्रक को पूरा देखो पाली के उधर से इधर बाहर के साइड लेके आया। ये एक मॉड है जिससे तुम मतलब सुपर पावर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सुपर पावर को मैंने एक्टिवेट करके रखा है, क्योंकि जब भी ऐसे स्क्रीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसका क्या फ़ायदा है गाइस, मैं जो मतलब जो प्लेट्स होते हैं ना, जो जैसे कि हनी का प्लेट है हमारा, हनी मैं बेचने वाला हूँ, हनी तुम्हें दिखा रहा भी हनी कैसा होता है। अगर वो नॉर्मली उठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उठेगा, ठीक है ना गाइस, वो ज़्यादा ही वेट होता है उसका, इसीलिए मैं उठा नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए इस वाले मॉड को यूज़ करना मेरा, और कोई भी मॉड नहीं इंस्टॉल होकर रखा है गाइस अभी, तो मैं इस मॉड को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सही मॉड है भाई, ये बहुत सही मॉड है भाई इस गेम का। और मैं फिलहाल मतलब इधर बात करते करते हमारे फार्म पे लगभग पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे देख पा रहे हो मैं इस साइड से घुस जाऊँगा, क्योंकि अभी हमें लास्ट वाले ये पे पानी देना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे फार्मिंग होता है ग्रीन हाउस के अंदर, तो मैं तुम्हें वो भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ और
भाई क्या ही फुल मिट्टी उड़ रहा है भाई। लास्ट वाले ये रहा, इधर देना पड़ेगा पानी। इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है तो मैं इधर डालना स्टार्ट कर सकता हूँ। और देख पा रहे हो पानी घटना स्टार्ट हो चुका है मेरे से, और मेरे को इसको वापस भी इसको बाहर भी लेके जाना है। तो मैं इसको पूरी तरीके से रोटेट करने वाला हूँ, मैं बाहर लेके जाऊंगा। देखो अभी देखो 20,000 हमारे पास पानी रह चुका है, और पानी का डालने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना भाई। और कहाँ फाटक जा रहा है, मेरे को इसको बाहर लेके जाना है इस गाड़ी को, क्योंकि मैं इधर नहीं रखने वाला हूँ। और देख पा रहे हो अगर ऐसे करके उठाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं उस सुपर पावर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे ये उठ ही नहीं पा रहा है भाई, तो मैं इसको पीछे ले लेता हूँ। और भाई देख पा रहे हो ये इतना वेट है इसका, तो मैं मेरा सुपर पावर को फिर से इसको पकड़ूंगा और इसको सीधा ले जाऊंगा ऐसे करके। देख पा रहे हो भाई मैं तुरंत ही मैं कहाँ फंस गया, और जैसे देख पा रहे हो मैं इसको इजिली तर के इधर लेके आ चुका हूँ भाई, अलग सी। और पूरा का पूरा गाड़ी मैं लेके आ चुका हूँ भाई, गजब गजब सी। मैं वाइट ये वाइट पहले ये वाला टैंकर से अगर पानी भरते हैं हम तो इसमें पैसा लगता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे पानी भरने से पैसा लगता है। और मैं तुम्हें पहले बगल पे लेके चलता हूँ पानी का, इस पे अगर से पानी लूट करवाते ना इससे तो पानी लगता, मतलब पैसा लगता, पैसा कटता है, देखना होगी ठीक है ना। इधर लेके आ चुके हैं, ये देखो मेरे पैसा कटना स्टार्ट हो चुका, देखो पानी भी आ रहा है और पैसा भी कट रहा है, ठीक है ना। तो हम फ्री का पानी लेंगे इससे, देखो $110 कट चुका है भाई पानी का, इधर पैसा लगता है। तो पैसों से पानी खरीदने से अच्छा तो मैं उधर से जाके लेके आऊंगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं इसको लेके चलता हूँ पीछे के साइड, मैं इसको पार्क करवा दूंगा बाद में सही से। मैं अभी इसको ऐसे करके रखता हूँ जिससे कि मेरे को पीछे लेना आसानी हो जाए। और अभी चलते हैं, हमारा जो ये वाला एक्टिवेट वाला सीन था हटा देता हूँ, और अभी चलते हैं एक एक करके हम इसके अंदर, क्योंकि मेरे को एक एक करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक टाइम में तीनों को उगाने वाले हैं गाइस। तो फिलहाल जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो मैं इधर आ जाता हूँ, और इधर अगर क्लिक करता हूँ तो हम पहले वाले ये पे मतलब जो हमारा ग्रीन हाउस है प्रोडक्शन का उसमें पहुंच चुका है, और इसमें एक्टिवेट करने वाले हैं हम लोग लोटस को, ठीक है ना। तो इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, ये तीनों इस कैटेगरी का है तो एक्टिवेट इसको भी और इसको भी एक्टिवेट कर देते। तो देख पा रहे हो गाइस इधर लोटस लग चुका है पूरी तरीके से, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो उस पार भी मैं जा सकता हूँ। तो देख सकते हो बहुत सारे हैं, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ गाइस कि मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और तुम्हें सारे के सारे घूम के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं बाहर चलता हूँ इधर से, और जैसे ही तुम बाहर से भी देख पा रहे हो ये लग चुका है, और मैं इधर से भी दिखाऊँ तो इसमें भी लग चुका है, देख पा रहे हो। और साथ ही साथ मैं तुम्हें इधर दिखाऊँ तो इधर भी देख सकते हो लग चुका है, ठीक है ना। जो हमारा टारगेट था ये पूरा रोप पे हमने बोला था कि लोग लगाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो है इसमें हम ये दो जो है ये वाले पे हम टमेटो जो हमारा पोटेटो मतलब टोमेटो है, पोटेटो नहीं होता है इधर, मतलब पोटेटो होता है मतलब बिना उसके अंदर नहीं लगता है, वो बाहर खेत में हो जाता है पोटेटो का खेत, ठीक है ना। तो अभी इस साइड से घुसना पड़ेगा, मेरे को इधर जाना है। तो फिलहाल चलते हैं इधर और इसको रख देते हैं, और सीधा चलते हैं इस वाले सेक्शन पे। और ये वाले जो है इसको मैं पोटेटो को एक्टिवेट कर देता हूँ, और देख पा रहे हो पोटेटो का ट्री आ चुका है। और साथ ही साथ मैं बाहर चलता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ, और इसमें भी मेरे को जाना है क्योंकि इसमें भी मैं पोटेटो उगाने वाला हूँ। तो मैं जाता हूँ और पोटेटो को एक्टिवेट कर देता हूँ, देख पा रहे हो गाइस इसमें भी पोटेटो एक्टिवेट हो चुका है। और मैं सारे जब एक्टिवेट कर लेता हूँ उसके बाद मैं ये पूरा का घूम के और एक बार दिखाऊंगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना गाइस। तो अभी देख पा रहे हो 20,000 वाट करके आ रहा है, और मेरे को देखना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंड कैसे करें 20,000 से ज़्यादा कैसे बढ़ाए मेरे को। और इसके बाद गाइस जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि हम इसमें उगाने वाले हैं ये स्ट्रॉबेरीज को, तो स्ट्रॉबेरीज भी एक्टिवेट कर देते हैं गाइस। और जैसे कि देख पा रहे हो स्ट्रॉबेरीज के ट्री लग चुका है, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। और लास्ट वाले जो है ये वाला एरिया पे
इस पे भी मैं स्ट्रॉबेरी लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अगर चलते हैं तो स्ट्रॉबेरी पे चलते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो फाइनली हम सारे के सारे अरे बन, तो देख पा रहे हो सारे के सारे ग्रीन हाउस हमारा एक्टिवेट हो चुका है गाइस। स्ट्रॉबेरी इसमें लग चुका है, इसमें लोटस लग चुका है, और इसमें भी स्ट्रॉबेरीज, ये सारे लोटस है, इसमें पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरीज है, और साथ ही साथ इसमें है गाइस हमारा पोटेटो, ठीक है ना। पोटेटोस नहीं है, इसमें है टमेटोस, ठीक है ना, टमेटोस देख पा रहे हो। तो मैं अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा देता हूँ, और फास्ट फॉरवर्ड करने से पहले मैं कुछ काम करने वाला हूँ कि हम हमारा जो ये क्या बोलते हो, मतलब एक था हमारे पास, वो बेच देता हूँ, और उससे पहले मैं इस टेलर को फिर से पाक कर देता हूँ, ठीक है ना भाई। ये थोड़ा सा गलत तरीके से पाक कर रखा है, तो मैं इसे ठीक से पाक करता हूँ उसके बाद। तो फाइनली मैं इस टेलर को इधर ही बाहर ही पाक कर दिया हूँ, क्योंकि इसको मैं बाहर क्यों पाक किया होगा, इसके अंदर घुमा, मतलब इसके अंदर घुमा के रखना, मतलब तुम्हारा मतलब जीवन निकल जाएगा, फिर भी ये नहीं होगा। मैं इस ट्रैप को इधर रखने वाला हूँ, लेकिन ये जो बड़े बड़े दो चीज़ है हमारे पास, ये वाला टैंकर और वो वाला जो हमारे पास एक ये है, मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला की बात कर रहा हूँ मैं। इधर एक ट्रेलर मैंने परचेस करके रखा हूँ, ये जो ट्रेलर देख पा रहे हो इधर, ये ट्रेलर को भी मैंने परचेस करके रखा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब मैं ये वगैरह चीज़ों को सेल करने के लिए जाता हूँ। और ये भाई साहब बाहर चला गया, मेरे को बाहर नहीं करना था, तो मैं तुरंत इसको इसमें नहीं आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है ना, इसको उठा के मैं इधर लेके जा जिससे जा पा रहा हूँ ना, इस वाले पावर से मैं इसको आराम से उठा सकता हूँ, और मैं दिखाता हूँ उसका। तो फाइनली मैं ट्रेलर के साथ अटैच करवा चुका हूँ हमारा ट्रक को, और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, मैं इसको ओपन भी कर चुका हूँ। और मैं अगर बता दूंगा, देखो ये जो मैं आसानी से हिला पा रहा हूँ ना, ऐसे करके ले जाके रख सकता हूँ, ऐसे हमारे शहद के साथ नहीं होता है। जो हमारे पास हनी मिलता है, मैं दिखाता हूँ, बहुत सारा हनी मिलने भी स्टार्ट हो चुका है, मैं इसीलिए ये वाला पीछे वाला हिस्सा भी ओपन करके रखा हूँ। और तुम अगर तुम्हें मैं दिखाता हूँ तो देख पा रहे हो, ये है हमारा बी हाउस, जहाँ से मैं बहुत सारे हनी बेच चुका हूँ, और इधर देख पा रहे हो और भी ज़्यादा हनी है, और मैं इस चीज़ को ना हिला नहीं सकता हूँ ऐसे करके। देखो इससे नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, जब इसको हिलाना पड़ता है तो मेरे को वो पावर एक्टिवेट करना पड़ता है। तो देखो अभी हिला पा रहा हूँ, वो सुपर पावर एक्टिवेट है, और जैसे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और ये देखो ये नहीं हिला पाता है, ठीक है ना। तो मैं इसी के रीजन से मैं इसको एक्टिवेट किया हूँ, जिससे कि मेरा हेल्प हो जाए थोड़ा थोड़ा काम करने में, ज़्यादा तेज तेज काम मैं करता हूँ, तो मैं इसी की वजह से इसको ये किया हूँ। और मैं क्या करता हूँ गाइस, ये सारे जितना भी चीज़ है मैं लूट करवा के फिर तुमसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को। तो फाइनली गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ, मैं सारे के सारे ये खा चुका हूँ, अंडे को लोड करवा चुका हूँ, और अभी लेके चलता हूँ इस गाड़ी से सेल करने के लिए। और तुम देखना अभी हमारे पास कितना डॉलर है, और कितना डॉलर हो जाता है तुम अभी देखना भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है भाई अंडे से, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट। इसीलिए अंडा मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है इस गेम के अंदर, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा इस एक से इतना प्रॉफिट आता है। तुम अभी देखो, अभी हमारे पास पैसा है लगभग लगभग 4-5 लाख के आसपास, ठीक है ना। और तुम देखना अभी कितना पहुंच चुका है, ठीक है ना, तुम सब देखते रहो। इधर सेल हो रहा है सबसे अच्छा खासा प्राइस में, मैं इधर देख चलता हूँ, और देखो सेल होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले तो फंक्शन ऑन करता हूँ, बैक लॉक खुलता है, कॉर्नर राइट लेफ्ट लेफ्ट वाला खुलना है मेरे को, तो इसका फंक्शन अरे ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर होके रखा है, तो मेरे को इसको ओपन करना है, और मैं खुद कर जाता हूँ। और इस चीज़ को मैं पकड़ के इस साइड को लेके आता हूँ, और देखो सेल होना स्टार्ट हो चुका है, मैं घुमा घुमा के इधर रखता हूँ, और देख पा रहे हो सेल होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेज, बहुत सारे आइटम्स है जो कि सेल हुए जा रहा है, सेल हुए जा रहा है गाइस। और मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे आइटम्स को सेल करता जा रहा हूँ, बहुत मजा आता है भाई, देख पा रहे हो 6 लाख 7 लाख होने वाला है भाई बहुत, और 1 लाख का सेल हुआ है, तुम लोग देख पा रहे हो अभी भी 1,43,000 के आसपास गाइस। और गाड़ियाँ जा रहा है, तो से ट्रैफिक सेल बहुत अच्छा खासा मिलता है इस गेम में, फिर
पैसा लगभग डबल हो जाता है भाई, तुम देखते रहो बस इतना पैसा मिलने वाला है। मैं एक के ऊपर एक रख देता हूँ और देखना जब सेल कंप्लीट हो जाएगा देखो कितना मिलता है फिर, और इसको मैं इधर लेके आता हूँ कि सेल होता रहे, क्योंकि सेल रुक गया है इस चीज़ का और ये इसका भी सेल पुनः स्टार्ट हो चुका है। मैं देख पा रहे हो एक एक करके सेल करते जा रहा हूँ और 8 लाख के करीब पहुंचने ही वाला है गाइस, 8 लाख के करीब पहुंचने ही वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा 8 लाख पहुंचने के लिए। भाई अंडा बहुत सही चीज है इस गेम के अंदर पैसा बनाने के लिए भाई, अंडा बहुत। और बाकी सारे आइटम्स को तुम कर सकते हो तुम्हारे प्रैक्टिस की वजह से, मतलब जिससे तुम देख पाओ कि इस गेम में और क्या क्या फंक्शनलिटीज है। लेकिन पैसा चाहिए, तुम भाई चिकन कूप लगाओ और अंडे से पैसा कमाओ भाई, बहुत सारा पैसा बनता है। और जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो अंडे से हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो चुका है अंडे का हमारा, और ये थोड़ा सा टेट के बैठा हुआ है तो मैं ऐसे ही सेल करने की सोच रहा हूँ, और इस चीज को मैं सीधा को मैं भाई सेल देख पा रहे हो गाइस, क्या औसम चीज है ये। और रे यार ये सेल तो होता रहेगा, और जिससे कि सेल होता रहे ये भी सेल हो रहा है वो भी सेल हो रहा है, और फाइनली जैसे कि देख पा रहे हो गाइस 8 लाख क्रॉस हो चुका है हमारा, $8 लाख गाइस, हद होती है भाई गेम पैसा कमाने का। ये देखिए अंडे से इतना पैसा बन सकता है कि भाई पूछो नहीं, एकदम पूछो। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि ओ भाई ये क्या फेंक में गया है, मैं इस गाड़ी का जो ये है बैक है ये बंद कर देता हूँ। जैसे कि तुम देख पा रहे हो भाई लगभग लगभग वो मिला है तो 1,80,000 भाई, लगभग लगभग 6 लाख हमारे, 5 लाख हमारे पास था, 5-6, 3 लाख डॉलर मिला है हमें इससे। तो हम अभी चलते हैं और पहले तो टाइम शेड्यूल को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारा इस प्रोडक्शन को भी तो देखना है, और इसको हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में सेल करने वाले हैं गाइस। टाइम लैप्स को बढ़ा देते हैं जिससे कि टाइम चलता रहे बिना रुके, और जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये चल रहा है हमारा गाड़ी जो कि मैं पार्क करने वाला हूँ सीधा उसी जगह पे जहाँ पर हमारा, और वो हमारा पहला आइटम तो आ चुका है। मैंने मैंने थोड़ा सा दिख गया मेरे को, मेरी नज़र पे आया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं गाड़ी को पहले पार्क करवा लेता हूँ, और ऐसे ही तुम लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा से मैं इस गाड़ी से निकल रह चुका हूँ, और मेरे को ये ट्रक लेके अभी पार्किंग करना है इस ट्रक का, तो मैं पार्किंग करने के बाद मिलता हूँ ठीक है ना गाइस। तो फाइनली यार गाइस जैसे कि देख पा रहे हो मैं पहला हमारा इस गैरेज के अंदर पहला गाड़ी जो कि हमारा बिल्कुल नया नवेला ट्रक है इसको मैं पार्क कर चुका हूँ, और मैं तुरंत तुरंत इसमें चलता हूँ। और मेरे को कुछ दिखाई दिया था जो कि है ये क्या है भाई, स्ट्रॉबेरीज भाई, बहुत सारा स्ट्रॉबेरीज आके रखा है देख पा रहे हो 1.1 लीटर का। और मैं देखता हूँ सुपर पावर को हटा देता हूँ, अगर सुपर पावर को हटाने के बाद भी ये काम करता है तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। तो सुपर पावर को मैंने हटा दिया है, और हाँ सुपर पावर को हटाने के बाद भी काम कर रहा है, और मेरे को इस बारे चीज को बाहर फेंक देता हूँ, और स्ट्रॉबेरीज आ चुका है जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। और भाई साहब आ जा भाई, मैं तुरंत से तुरंत चीज़ों को हटाना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारे देख पा रहे हो बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज आके रखा है गाइस, और इसमें टमेटो सारे भाई सुपर हिट गाइस, और जैसे कि देख पा रहे हो तुरंत से तुरंत चीजें आ जा रहा है। और इधर सिर्फ हमारा ये एक बैग ये आया है तो अरे ये तो कॉफी है ब्रदर, मैं सोच रहा हूँ ये लोटस है क्या, ये तो कॉफी है भाई। तो फाइनली देख पा रहे हो ग्रीन हाउस प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर चुका है, और मैं तुरंत तुरंत चीजों को ले रहा हूँ, टमेटोस को हटाओ इधर से, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस चीज सारे चीजों को उस भाई मैं ना इधर से सेल भी कर सकता हूँ पता है। मैं ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में अगर चलता हूँ तो मैं प्रोडक्शन को सीधा इधर से सेल भी कर सकता हूँ, देखो स्टोरिंग की कैपेसिटी पे है अभी, तो मैं इन सारे को सेल पे भी लगा सकता हूँ। तो इधर अगर चलते हैं स्टोरेज मोड देख पा रहे हो, सेलिंग मोड में कर देता हूँ जिससे कि हमारा जितना भी सामान है सारे सेल हो जाएगा ठीक है ना। तो
फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि सारे आइटम्स को ना सेलिंग पे लगा देता हूँ। जितना भी आइटम्स हमारे पास होएगा वो सारे सेल जाएगा। तो देख पा रहे इधर से पैसा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि तुम लोग इधर थोड़ा सा देख पा रहे थे पैसा बढ़ रहा है। और मैं क्या करता हूँ तुरंत सेलिंग सब पे लगा लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ स्टोरिंग मोड से सेलिंग मोड। तो तुरंत इसमें सेल करना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, सेलिंग स्टार्ट हो चुका है, सेलिंग मोड एक्टिवेटेड में स्टोरिंग है। तो पहले तो इसको सेलिंग मोड एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि हमारा सेल होता रहे, ठीक है ना, हमें पैसा मिलता रहेगा। और इसमें सेलिंग मोड लग चुका है, इसमें भी सेलिंग मोड है। और साथ ही साथ इसमें इसमें लोटस है जिसको भी मैं सेलिंग मोड लगा देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ। और गाइस बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज आए तो अवॉइड। तो फिलहाल जैसे कि देख पा रहे हो ये सेलिंग कैपेसिटी मेरे को सही लगा, डायरेक्ट सेल हो जाएगा इधर से। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है, सेल जब हो जाएगा जल्दी जल्दी तो अच्छा खासा। देखो ये सेलिंग मोड एक्टिवेट है लास्ट वाले ये पे, और इसमें भी सेलिंग एक्टिवेटेड है, इसमें भी सेलिंग है, इसमें भी सेलिंग है एक्टिवेटेड, इसमें भी सेलिंग है एक्टिवेटेड, इसमें भी सेलिंग है एक्टिवेटेड, और इसमें भी सेलिंग है एक्टिवेटेड। तो जितना भी सेलिंग का प्रोसेस है ये देख पा रहे हो, और इसमें लाइट जलता है क्या पता नहीं मेरे को, फंक्शन आर से नहीं होता है लाइट अगर शायद जा सकता है। और जो जितना मैंने पहले स्टोर किया था उन सबको मैं पहले हटा लेता हूँ, ठीक है ना। अब से इधर एक भी मतलब नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लग चुका है और पैसा मेरा बढ़ रहा है धीरे धीरे। मगर देखोगे तो अभी 32,000 डॉलर पे है और बढ़ रहा है, देख पा रहे हो। और सारा लीजिंग कॉस्ट वगैरह सारे कट गया हमसे, बहुत अच्छा खासा पैसा हमारा कट चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास फिर भी बहुत सारा पैसा है। तो गाइस आज के इस वाले एपिसोड में जैसे कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, जो कि मैं दिखा चुका भी हूँ, और थोड़ा सा सुबह होने देता है उसके बाद वो टेक ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो यार गाइस जैसे कि तुम फाइनली देख पा रहे हो इधर, अरे तू कहाँ चला गया, उसमें क्या हो गया, इसमें देख कैसे कलर आ रख के रखा है भाई। और इसमें भी देख पा रहे हो ये बहुत सही लग रहा है। और गाइस आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग चेक देखा कि तुम ग्रीन हाउस में इसे कैसे चीजों को बना सकते हो, मतलब उगा सकते हो ग्रीन हाउस के अंदर। तो आज के इस वाले एपिसोड के अंदर हम लोग हमारा जो टास्क था वो फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, जो कि है हमारा ग्रीन हाउस से चीजों को खाना। और साथ ही साथ बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, पैसा हमेशा मिलता जा रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो गाइस। और साथ ही साथ खूबसूरत सा बारिश स्टार्ट हो चुका है गाइस, और अभी तो हमारे पास पैसा ही पैसा हो चुका है क्योंकि हम हमारा पहला प्रोडक्शन लग चुका है दोस्त। ये प्रोडक्शन में पहला नंबर पे आता है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के अंदर गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड गाइस, बाय।